हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। डियर, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। तो ये सारी रीडिंग आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड डियर, अब रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डियर, अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड एक बात और डियर, देखिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम 5 बार 7 बार या फिर 3 बार भी ले सकते हैं। कि अगर आपको 5 बार या 7 बार नहीं लेना तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। एंड यार, पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। एंड डोंट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज होंगे और आपको समझ नहीं आएगा तो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। तो पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। एंड चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है, है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए आप। सबसे पहले पहला कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। ओके, देखिए डियर, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके दिमाग में ना कई तरह के ख्याल आ रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। वो बहुत सारे सपने देख रहे हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएं, लेकिन कैसे आएं इस चीज़ का फोकस वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें ऐसा क्या करना है जिससे आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। एंड काफ़ी ज़्यादा सपने भी देख रहे हैं, है ना। एंड यार, थर्ड पार्टी का फेस उनके सामने आ रहा है डियर, थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आ रहा है। उन्हें पता चल गया है कि थर्ड पार्टी ने उन पर ब्लैक मैजिक किया था। उन्हें इस बात का पता चल गया है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपको, आपके पार्टनर से दूर करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। एंड डियर, सेकेंड कार्ड देखते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं डियर, एक्शन लेना चाहते हैं डियर, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक करना पड़ेगा आप, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। एंड डियर, उन्हें पता है कि आप एक्शन लिए बिना काम चलेगा नहीं, तो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। उनके दिल में ना इस बात की बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उनके दिल दिमाग में, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना पड़ेगा और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चली हैं सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उदास हैं डियर, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा उदास है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले कार्ड को देखकर कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, है ना। एकदम से उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ या फिर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो इस टाइप की फीलिंग उनके दिल में आ रही है। ब्लैक मैजिक था उनके ऊपर, उन्हें पता चला है कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक तक किया है उनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा परेशान है डियर, ब्लैक मैजिक का असर अभी कम हो रहा है, तभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आपके पार्टनर को आ रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें आपको लेकर, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं डियर। एंड ये है, थर्ड पार्टी दोबारा भी आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक कर सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दिया था डियर। एंड आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं डियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक करने के लिए जो भी उनसे करना पड़ेगा ना वो करेंगे। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, संघर्ष इतना है कि बस करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको लेकर तो है ही कि आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो, लेकिन अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान लग रहे हैं ये पर्सन। एंड यर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ ख़त्म करना है और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ, जो भी दुख परेशानियां हैं, जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सबको छोड़कर भागना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं इन सबसे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब सब कुछ ठीक करने का समय आ गया है डियर। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली देखिए ऐसा आ रहा है ना कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स से भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग उनके मन में आपको लेकर आ रही है डियर। एंड आपके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हैं डियर, कुछ भी।
यू डियर, थैंक यू वेरी मच रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच डियर। ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा ज़रूर, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो फिर से ऐसी ही बनाएंगे। ओके बाय बाय डियर।